हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े हैं और बड़े बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोकसभा की मर्यादा इतनी ऊंची है, भूकंप को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। ये लोकतंत्र के ताकत है, सदन के पास करीब करीब 3 दशक बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। कांग्रेस गोत्र नहीं था ऐसी मिलीजुली पहली सरकार अटल जी की बनी थी, और कांग्रेस गोत्र नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार 2014 में बनी। हमारे लिए बीते 4.5 वर्षों में, इस कार्यकाल में, हम सब खुशी की बात है कि आज देश दुनिया की 6वें नंबर की इकोनॉमी बना है। इस कार्यकाल का ही वो गौरव का काल है और इसके सब हम सभी भागीदार हैं। नीति निर्धारण यहीं से हुआ है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी इस सदन की गतिविधियां का अपना बहुत बड़ा रोल है। आज मैं पहली बार यहां आया था, बहुत सी चीजें नई जानने को मिली जिसका कुछ अर्थी जिंदगी में पता नहीं था। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला मुझे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती है। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला और देश के मीडिया ने भी बहुत को उसको मजा लिया। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े हैं और बड़े बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोकसभा की मर्यादा इतनी ऊंची है, भूकंप को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। ये लोकतंत्र के ताकत है, सदन के ताकत।